रामनगरिया मेले में आए ये सभी लोग यहाँ के भुने आलू बड़े चाव से खा रहे हैं। यहाँ के आलू का स्वाद लिए बिना लोग यहाँ से नहीं जाते। ये मैंने बचपन में भी आलू का मजा लिया है और ये आलू बचपन में इसका लेके मैं बड़ा हुआ हूँ, तो वही पुरानी जो यादें बचपन की है वो करना आया हूँ। और बहुत ही स्वादिष्ट आलू है, एक बार जरूर खाकर देखिए। इनके आलू भूनने का तरीका भी बेहद खास होता है। आग पर कढ़ाई चढ़ाकर उसमें आलू डाला जाता है। करीब 15 से 20 मिनट तक उसे भूनने के बाद आलू को निकालकर डलिया में जोर जोर से हिलाकर उसके छिलके अलग किए जाते हैं। इसके बाद खास तौर पर मसालेदार नमक तैयार किया जाता है, साथ ही विशेष रूप से तैयार चटनी और मसालेदार नमक के साथ भुने आलू परोसे जाते हैं। विशेषकर आलू खाने के लिए यहाँ पर आए और इसकी चटनी और जो मसाला यहाँ पर जो बनता है वो कहीं नहीं मिलेगा। और विशेष रूप से जिस प्रकार से यहाँ पर आलू भून के डलिया में डाल के छीला जाता है वो क्वालिटी कहीं। आलू तो कहीं भी मिल जाता है, लेकिन जो आलू रामनगरिया मेले में भुने जाते हैं उनका स्वाद कहीं नहीं मिलता। यही वजह है कि यहाँ भुने हुए आलू 60 रुपए किलो बिक रहे हैं, यानी 6000 रुपए क्विंटल। तो अगर आप भी इस लजीज आलू का स्वाद लेना चाहते हैं तो माघ महीने में फर्रुखाबाद के रामनगरिया मेले में चले आइए, क्योंकि ऐसा स्वाद केवल यही मिलता है, कहीं और नहीं।